मेरी शायद ये भूल थी कि 30,000 सब्सक्राइबर मेरी जात को देखता है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मुझे फील हो चुकी है। इंतहाई दुख के साथ मैं इस कंट्रोवर्सी को छोड़ रहा हूँ, और इस कंट्रोवर्सी में आप मेरे मुंह से या मेरे चैनल से कोई भी वीडियोस आज के बाद आप लोग नहीं देख पाओगे। हम लोग सिर्फ आप लोगों की दिल को खुश करने के लिए लोगों को गालियां नहीं निकाल सकते, मैं तो कम अज कम नहीं निकाल सकता। अगर गालियों की वजह से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, या मेरे लोगों को रोस्ट करने के लिए या लोगों को बेस्ट करने के लिए आपने इसलिए मुझे सब्सक्राइब किया है कि जाहिद खान लोगों को ठीक ठाक किस्म की सुनाता है, तो प्लीज मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, इसके साथ साथ बर्मा, तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूए, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं, सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूँ जाहिद खान, देसी डोज की तरफ से। और आप लोगों ने आज मेरा कुछ अंदाज़ बयान देखा होगा कि मैं बड़ा पोलाइटली और बड़ा यानी कोई जोश नहीं है, कोई इस तरह की ना जोश खिताबत नहीं है, या जिस तरह से मैं बोलता हूँ पावर के साथ आके, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जाहिद भाई की शायद तबीयत ठीक नहीं है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। नहीं, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे परेशानी वाली बात नहीं है। बस कुछ बात ऐसी थी जो करने के लिए मुझे अभी से ही फ़ौरन से वीडियो बनानी पड़ी। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना मैसेज अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, और भरा हुआ मेला ही छोड़ के जाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि जाहिद भाई भरा हुआ मेला छोड़ के जाना और ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जनाब वो बात कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ उस बात को करने के ऊपर। जितना टाइम मैंने सितारा यासीन के टॉपिक के ऊपर बात की, मुझे लाखों की तादाद में व्यूज़ भी पड़े और मुझे हज़ारों की तादाद में सब्सक्राइबर भी आए, लेकिन जैसे ही इस कंट्रोवर्सी से मैंने यानी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा दुरुस्त किया, या अगर मैंने इस कंट्रोवर्सी में खुद को यानी इतना इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की, निकलने की कोशिश की, तो मुझे ये फील हुआ कि 29K सब्सक्राइबर बनने के बाद किसी बंदे ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा लोगों ने अनसब्सक्राइब करना जरूर शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये इस कंट्रोवर्सी में उस तरह नहीं बोल रहा जिस तरह से पहले आके बोलता था, सितारा के हक में या सलमान लोगों को ये ठीक ठाक आके सुना देता था, लेकिन आजकल ये बंदा बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है, सो हमारे काम का नहीं है, लिहाजा इसको अनसब्सक्राइब। काफ़ी लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, 400-500 के करीब लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया। और अभी जब हम कोई भी नॉर्मल वीडियो डालते हैं तो उसके ऊपर अल्लाह के फजल से 2-3 के ऐसे ऊपर व्यू पड़ता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं होती कि नॉर्मल कंटेंट को देखें, कोई फनी वीडियो देखें, कोई रोस्टिंग देखें, नहीं, बस हम सितारा के ऊपर बात करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, सितारा के ऊपर बात करना छोड़ देंगे कि लोगों ने बोला कि यार छोड़ो, दफा करो, किसी काम का नहीं है। तो माजद के साथ मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस कंट्रोवर्सी को छोड़ रहा हूं। जिस किसी ने भी देखना हुआ वो हमें वैसे देखेगा, अंदाजा हो चुका है, अपनी वर्थ का भी पता चल चुका है कि हम लोग क्या हैं। और मैं YT के ऊपर एटलीस्ट यानी जो चीज़ पसंद हो आप लोगों को, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो, तो मैं वही बनाने के लिए, मेरा चैनल नहीं है कि मैं अपने चैनल के ऊपर सिर्फ लोगों को बुरा भला बोलता रहूं तो आप लोगों को अच्छा लगूंगा। मैं नॉर्मल कंटेंट की तरफ जा रहा हूं, नॉर्मल व्लॉगिंग करूंगा, रोस्टिंग करूंगा। आप लोगों ने देखना हुआ तो ज़रूर वेलकम कीजिए, आपको मैं वेलकम करूंगा अपने चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह ताला जितना भी हो सका हम लोगों के लिए प्यार बांटेंगे। लेकिन इंतहाई दुख और इंतहाई दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी कोई भी नॉर्मल वीडियो जिसके ऊपर सितारा यासीन का टाइटल नहीं होता, सितारा यासीन से हट के हम कोई भी टाइटल देते हैं तो लोग, आप लोग उसको खोलना भी पसंद नहीं करते। मैं अपने 29-30K सब्सक्राइबरों से बात कर रहा हूँ, मैं हेटर से बात नहीं कर रहा, कि आप लोग उस वीडियो को ओपन तक करना पसंद नहीं करते हैं कि यार अच्छा नहीं ये, अच्छा ये फलां वीडियो दफा करो, कोई नहीं इसमें यानी कोई मेरे ख्याल में कुछ चस्का चुस्का नहीं होगा, सिंपल एज दैट, इसने कोई वीडियो बनाई होगी अपने पास चैनल को चलाने के लिए, तो छोड़े, दफा करें, सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सपोर्ट तब करेंगे जब हमारे मतलब की बात करेगा, सपोर्ट तब करेंगे जब ये किसी को गाली गलोज करेगा, सपोर्ट तब करेंगे जब ये बुरा भला बोलेगा किसी को, अदरवाइज वीडियो इसने बनाई है जाहिद खान देसी टोज के ऊपर, वीडियो आई है, अच्छा इसका थंबनेल क्या है, डकी भाई फलां
आज हम आपको जनाब कोई ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जनाब। आए हम आपको लोक विसा दिखाते हैं, आए हम आपको जी इस्लामाबाद की कोई हलवा पूड़ी दिखाते हैं जी, आए हम आपको फलां चीज़ दिखाते हैं जी। अच्छा इसके ऊपर ये थंबनेल दफा करो, कोई नहीं है, सितारा यासीन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, सलमा के ऊपर बात नहीं हो रही, किसी और एजाज शाह के ऊपर बात नहीं हो रही, दफा करें, देखते ही नहीं है, छोड़ दें, दफा कर दें, ठीक हो गया, ऊपर ही नहीं करते। क्या जरूरत पड़ी यानी मुफ्त में हम इसको बंदे को व्यू दें आके, क्या फायदा हम इसको आके सब्सक्राइब कर दें, क्यों हम इसके सब्सक्राइबर आप ऊपर लेके जाएं, क्योंकि ये तो यानी किसी काम का नहीं रहा। हम लोग अपने दम के ऊपर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, अपना कंटेंट लेके काम करेंगे, सितारा यासीन की सपोर्ट हम नहीं छोड़ रहे। एजाज शाह आजकल मार्केट में आया हुआ है, ठीक है ठीक है, बोल रहा है वो, बोलने दें, जब वो आपे से बाहर हो गया तो बिल्कुल हम सितारा के हक में आके वीडियोस डालेंगे और इंशाल्लाह ताला उससे हम जवाब भी लेंगे इन बातों का कि जो वो बातें कर रहा है वो किस मुंह से कर रहा है, ये बात की बातें हैं, ये देखेंगे हम कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आके मैंने सिर्फ एक आप लोगों से ये बात करनी थी कि जितने स्लम्स, जितने परेशानियाँ, जितनी मुसीबतें मैंने इस केस में देखी हैं, शायद ही किसी ने देखी हों, सितारा यासीन के केस में जितनी मजबूरी, जितनी ज़्यादा मेरे ऊपर दरख्वास्तें हुई हैं शायद ही किसी के ऊपर हुई हूँ, और मैं उनको अभी तक फेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिलीज के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरी सासू माँ के साथ, किस किस अंदाज में क्या क्या सलूक किया गया वो भी आप लोगों से बोला हुआ नहीं है। लेकिन मजाल है कि आप लोगों ने इसका कोई भी हमें यानी हुआ ना कि बंदा यार बंदे को सपोर्ट करे कि यार ठीक है ज़बरदस्त जायद भाई आप नॉर्मल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको जाना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सितारा यासीन के हक में ही वीडियो डालनी है तो हम उसको ओपन करेंगे। आप जायद भाई कोई भी वीडियो डालेंगे हम आपको लाजमी देखेंगे, हम आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन नो, यहाँ पर कंट्रोवर्सी 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 और कंट्रोवर्सी ही रहेगी। खैर एटलीस्ट मैं इस कंट्रोवर्सी में मज़ीद अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकता, मज़ीद अपने आप को यानी अफसोस है कि यार 30,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ और 30,000 लोग जब हम कोई भी वीडियो डालते हैं नॉर्मल तो उसके ऊपर 2,000 बंदा भी उसको देखना पसंद नहीं करता। हाँ यहीं पर बैठ के, इसी जगह पर बैठ के अगर मैं कोई तगड़ी सी वीडियो डाल दूं सितारा यासीन के हक में या अगलों की बैंड बजा दूं तो फौरन से यानी 30,000 से भी ज़्यादा 50,000 व्यू आ जाता है, कोई हेटर्स भी आ जाते हैं, कुछ सब्सक्राइबर तो मस्ट आके देखते हैं, कमेंट्स भी ज़बरदस्त, जाहिद भाई छा गए, शेयर आ गया हमारा, फलां कर दो, इनकी माँ की टमका की। लेकिन जब हम नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं, जब कोई नॉर्मल वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है खुद से ही कि अल्लाह के फजल से 3,000 से ऊपर नहीं जाएगी, और बिल्कुल हमारी उम्मीदों के ऊपर ही हमारी वीडियो आके रुकती है, वो 2,500 से ऊपर नहीं जाती, देखने लोग पसंद नहीं करते। हमारे पास इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, काफ़ी फ़नी वीडियोस हमारी इस वक्त पोस्टपोन है जो हमने बनानी थी, पूरी टीम है हमारे साथ। तो सितारा यासीन के केस से मैं सब लोगों से यहाँ पर माजत करूँगा कि मैं इस केस में मज़ीद नहीं हूँ, मैं इस केस में मज़ीद कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। जब ज़रूरत पेश आई, मुझे लगा कि नहीं भाई यहाँ पर ये मौका आ चुका है कि यहाँ पर हमें एंट्री देनी चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत है सितारा यासीन को, तो वहाँ पर मैं आऊँगा। इसके अलावा ये छोटी मोटी बातें, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, फलां वो देते रहें जी, ठीक है, वो सुन रहे हैं, वो लोग देते रहें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, फिलहाल नहीं है। हम इस कंट्रोवर्सी में एटलीस्ट मैं नहीं हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे साथ जितना भी मेरा पैनल है वो भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है। हम लोग आज के बाद इस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक भी वीडियो नहीं डालेंगे, कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ को हमारी ज़ात के ऊपर बात करेगा तो हम उसको लाजमी जवाब देंगे, जो लोग हमारी माओ बहनों को गालियाँ निकालेंगे हम उनको लाजमी जवाब देंगे, बाकी नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे। हो सकता है कि हाँ दूसरे दिन वीडियो आए, हो सकता है एक तीसरे दिन वीडियो आए, क्योंकि कंटेंट के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको वीडियोस के लिए सोचना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट होता है, एक पूरी तैयारी के साथ आपको आना पड़ता है वाईटी के ऊपर। तो सब बंदों से मैं अफसोस के साथ इजाज़त चाहूँगा इस केस से कि जितना दिल मेरा दुखा है अपनों से, जितना दिल मेरा दुखा है आप लोगों से, शायद ही मुझे कभी फील हुआ इतने टाइम में जब से मैं वाईटी के ऊपर हूँ। ये आप लोगों ने हमारे साथ मोहब्बत नहीं बांटी, बल्कि आप लोगों ने हमें सिर्फ ये चीज़ बादर करवाई है कि यार शायद हम लोग आपकी मतलब की बात करेंगे तो आप हमें सुनेंगे, शायद आप लोग हमें किसी और अंदाज में देखना पसंद करते हो, पोलाइटली या नॉर्मल अंदाज में मुझे देखना पसंद आप नहीं कर रहे,
या हमें देखना पसंद नहीं करते, तो माजद के साथ मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। मैं इंतहाई दिल बर्दाशा होकर इस कंट्रोवर्सी को छोड़ रहा हूँ, इस केस को छोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस केस में हम तब आएंगे जब हमारी ज़रूरत पेश होगी, जब पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम सितारा यासीन के लिए दोबारा इस केस में आएंगे। वो भी एक हद तक आके वीडियोस डालेंगे, जो हमारे पास है, जो जो चीज़ें हमारे पास दिखाने वाली हैं वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे पब्लिक को। जिन चीज़ों से हमें रोका गया था वो भी हम पब्लिक को ज़रूर दिखाएंगे कि नहीं, अब टाइम आ चुका है। लेकिन फ़िलहाल हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहते हैं और दिल बर्दाश्त होकर मैं इस केस से जा रहा हूँ। अभी भी देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कितने सारे लोग आके टैलेंट को सपोर्ट करते हैं कि नहीं जाहिद भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। यानी इस वीडियो के बाद मैं देखूंगा कि आप लोगों को मैं आपके लिए क्या हूं, मेरी आपकी नज़रों में क्या वैल्यू है, मेरी आपकी नज़रों में क्या अहमियत है, या आप मुझे कितना सारा प्यार करते हैं, ये इस वीडियो के बाद मैं देखूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ कीजिएगा। ये दुख होता है जो बयां किया जाता है। लोग बोलेंगे कि जी जाहिद खान आज व्यूज़ के लिए रो रहा था, कि जी वाकयातन जाहिद खान के सब्सक्राइबरों ने उसको व्यूज़ देना छोड़ दिए क्योंकि जाहिद खान ने लोगों को बेस्ट करना छोड़ दिया शायद, या लोगों को खिलाफ वीडियो डालना छोड़ दिए। तो आज जाहिद खान अपने ही स्टूडियो में बैठ के लोगों से ये शिकवा कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे देखना शुरू छोड़ दिया। तो नो डाउट वो सही हैं, उनकी बात ठीक होगी। मैं जो ये भी बात करेंगे हमारी इस वीडियो के बाद भी मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे तो मैं उनको भी कोई जवाब नहीं दूंगा, और मैं उनको बोलूंगा कि लगे रहो मुन्ना भाई, जब तक जिंदगी ये आप लोगों का काम है ये। लेकिन मैं दुख के साथ इस कंट्रोवर्सी को छोड़ रहा हूँ, और सबक सिखा दिया इस कंट्रोवर्सी ने मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चेहरे मुझे दिखा दिए इस कंट्रोवर्सी ने, जिनके ऊपर हम बिला वजह मान करते थे ना कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। जो YouTube फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं बड़े मान के साथ कहता था कि जो 30,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे साथ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन 30,000 बंदों में से सिर्फ 2-3,000 बंदे ही मेरे साथ हैं, बाकी 27,000 मेरे साथ नहीं है। वो कंट्रोवर्सी के लिए था, वो गाली गलोच देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब किया हुआ था उन्होंने, बस सब्सक्राइब करके भूल गए हैं। तो मुझे ऐसा फिक्र भी नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए जो दिल से सब्सक्राइब करते हों, जो हमारे कल्चर को प्रमोट करने में हमारे साथ हों, जो हमारी नॉर्मल ब्लॉगिंग को देखने के लिए हमारे साथ हों। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे वो 2,000 हो। बहरहाल सॉरी माजद, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।